बताओ तुम चोरी क्यों करते हो? मैडम आपके लिए और आपके परिवार के लिए। क्या मतलब? अगर हम चोरी ना करें ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। वैसे बेटा बात तो सही कर रहा तू, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, क्या करें, हमारा घर ना चलेगा। चला कैरी सास लो बेटा। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? अरे बेटा आपकी मम्मी ने बताया आप कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हो और लड़कियों से बहुत बात करते हो, दोनों में से आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी। ठीक है तो फिर मैं कोल्ड ड्रिंक छोड़ देता हूँ। लड़की क्यों नहीं? अरे मैडम मैं कोल्ड ड्रिंक तो बुढ़ापे में भी पीऊंगा, लेकिन बुढ़ापे में लड़की नहीं बटेगी। मैडम आप बहुत गुमसुम हो, आप भी शर्ट हो जाओ। अरे अरे वो देखना कुतिया और कुत्ते कैसे किस कर रहे हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भी एक किस कर लूं। हाँ ध्यान से करना, कहीं वो कुतिया तुम्हारे काट ना ले। तो कुतिया के करने थोड़ी कह रही हूँ, पहले कह रही था। चलो यहाँ मनाते हैं पिकनिक, ये जगह बढ़िया है। लेकिन यार कोल्ड ड्रिंक तो घर रह गई। सब तो एक काम कर, तू ले का कोल्ड ड्रिंक। चलो मैं चली जाती हूँ, पर मेरे आने तक कोई भी कुछ नहीं खाएगा। हाँ ठीक है चल। आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आई यार ये। अरे यार छोटे 5 घंटे हो गए अभी तक नहीं आई है। अबे यार शाम हो गई अब भी नहीं आई है। अरे आगे जब आती रहेगी यार अपन खाएंगे साला। मुझे पता था तुम मेरे जाते ही खा लोगे, इसलिए मैं गई नहीं। जब से लगी यही भी खड़ी है अभी तक नहीं आई। बाबली अब तक तो ले भी आती। मैं भी खाऊंगी अब। अरे भाई साहब कैसा सिम दिया है ये? अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे यार हर महीने रिचार्ज कराना पड़ रहा है इसमें। कोई ऐसा सिम दो, एक ही बार रिचार्ज कराऊं और जिंदगी भर चले। अबे भैया रिचार्ज तो हर महीने कराना पड़ेगा। पैसे लिए पूरा काम करके दो अब। चल भैया। मेरी शादी तुमसे ना होकर अगर किसी राक्षस से हुई होती ना तब भी मैं इतना दुखी नहीं रहती जितना मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। वो बात तो तेरी ठीक है, मगर खून के रिश्ते में शादी होती कब है? 160 160 160। अरे भैया 1 किलो आम कर दो, 160 को है ना भैया, 200 रुपए किलो है। अरे इतनी देर से 160 को आवाज लगा रहे थे, वो तो मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा। यार बता लेने ना। चलो दे दो 1 किलो आम। चलो कर रही हूँ। भाई साहब 1 किलो दूध लाना। अच्छा भाई साहब अभी लाया, बिना पानी मिलाए। ऑफिस में था, फोन डाउन हो गया था मेरा। क्यों क्या हुआ? अरे वो हमारी सामने वाली पड़ोसन है ना रेशमा। हाँ? वो भाग गई है तो मुझे लगा तुम्हारे साथ भागी है। अबे यार तुम क्यों शक करती हो मुझ पे इतना? बहन मैं कैसा दिखता हूँ? अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ ले। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो अब भी नहीं समझा? मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। अबे क्यों क्या कर दिया इसने? कल मैं इसे शादी में लेकर गया, यहाँ से पूरा समझा के लेकर गया। देख कुछ भी ऐसा मत करी जिससे बात खराब हो, वहाँ जाकर बराबर पैसे लूट रही। अरे मैडम कैसा सिम बेच रही, इसमें एक भी लड़की कॉल ना रही। पागल हो क्या? अरे मैडम जब तो इतना महंगा सिम दिया है कि लड़की कॉल आए रात को बात करूंगा। वैसे जैसे तेरी हरकत है ना तब तो एक भी लड़की की कॉल नहीं आएगी। अरे भैया एक सिम देना। अभी देता हूँ मैडम। लो मैडम ये है सिम, आधे घंटे में चालू हो जाएगा। अरे भैया ये तो रेड कलर का है, मुझे पिंक कलर का सिम चाहिए, पिंक कलर का दो। अरे मैडम पिंक कलर का सिम नहीं आता है। नहीं भैया मुझे पिंक कलर का चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से बोला कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज देना, बिल्कुल यूनिक सबसे हटके, तो उन्होंने वो ही करा। मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी आंखों पे पट्टी बांध के ले गए और साले नाले में धक्का दिया है। जाने के कितने रुपए लोगे? बेटा 150 रुपए। अगर मेरी मम्मी साथ जाएंगे तो कितने रुपए लोगे? तब भी 150 ही लगेंगे। देखो मम्मी आपके 1 रुपए के भी औकात नहीं है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है समझे? तो दिमाग तो बिल्कुल खाली है, उसमें रख लो।